हेलो एवरीवन, इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले डिफरेंस की तरफ आते हैं, दैट इज आर्टरीज जो होती है ना, वो ब्लड कैरी करती है कहाँ से, हर्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक, ठीक है, यानी कि अलग अलग सेल्स तक वो ब्लड लेके जाती हैं हर्ट से अलग अलग सेल्स तक। ऑर्गन मतलब ऑर्गन के अंदर टिश्यू होगा, टिश्यू के अंदर सेल होगा, तो वहां तक वो प्रॉपर ब्लड को लेके जाती है। वेन्स में जस्ट उसका उल्टा होता है, वो डिफरेंट मतलब ऑर्गन या सेल से आप कह सकते हो कि जो ब्लड है वो लेके आते हैं हर्ट तक, ठीक है। सो ये डिफरेंस है आर्टरी और वेन में, पहला डिफरेंस कि कहाँ से कौन ब्लड लेके जाता है और किस डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नाउ इसके बाद एक मेन डिफरेंस है जो मैंने थोड़ा नीचे लिखा है कि आर्टरीज जो होती है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड लेके जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और वेन्स ऐसा ब्लड लेके जाती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। क्योंकि ये हर्ट से लेके जा रही है, मतलब ऑब्वियसली लंग्स वगैरह से लेके जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो ब्लड है जिसे बोलना चाहिए, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, तो हमें सारे सेल तक वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचाना है। इसके केस में हम चाहते हैं कि जिस भी सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से वो वापस किसकी तरफ आए, हर्ट से और फिर लंग्स की तरफ चला जाए, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड, मैं नीचे लिख देती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें O2 है और ये वाला जो ब्लड है ये CO2 मिला हुआ है। एंड मोस्टली दे आर डीपली लोकेटेड, आर्टरीज ना स्किन के बहुत पास लोकेटेड नहीं होती, मतलब उसके जस्ट एकदम ऊपर ऊपर लोकेटेड नहीं होती, नीचे होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अगर गलती से भी चोट लग जाए तो फिर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो दे आर मोस्टली डीपली लोकेटेड। और ये जो है वेन्स, ये काफ़ी क्लोज लोकेटेड होती है स्किन के, ठीक है, इनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये हर्ट से, यू नो, जैसे ब्लड बहुत एकदम प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में जाना होता है और पहुँचाना होता है, तो काफ़ी हाई प्रेशर से ब्लड आता है आर्टरीज के केस में, वेन्स के केस में लो प्रेशर के साथ ब्लड आता है, ठीक है। आर्टरीज की बात करूँ तो अब कोई चीज़ अगर बहुत प्रेशर से हो रही है तो उसकी जो वॉल्स हैं उसका ध्यान रखने के लिए होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो वॉल्स होती है ना वो बहुत थिक और स्ट्रांग होती है ताकि हाई प्रेशर को झेल सके, क्योंकि हर्ट की तरफ से वो आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे वॉल इज थिन एंड वीक, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होती एज कम्पेयर टू आर्टरीज, इतनी होती है कि उसका काम चल जाए, बट नॉट एज स्ट्रांग एज आर्टरीज, ठीक है। एंड नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या होता है ना, जैसे सपोज मैं कह रही हूँ ये है और ये है, तो ये नैरो यानी थोड़ा छोटा ल्यूमेन, बीच का जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आर्टरीज में छोटा होता है और वेन्स में बड़ा होता है। उसका रीज़न ये है, इसको हाई प्रेशर के साथ ब्लड लेके आना है। अब अगर ज़्यादा बड़ा ल्यूमेन हो जाएगा ना तो उतने प्रेशर से आर्टरीज ब्लड लेके नहीं आ पाएंगी, इसलिए उसका जो ल्यूमेन है छोटा होता है ताकि हाई प्रेशर से ब्लड आ सके। इसमें क्या होता है ना, लो प्रेशर से भी काम चल जाता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। एंड ये एक मेन है, मतलब आप अगर छोटी क्लासेस में हैं या फिर आप 11th 12th में भी हैं, 11th में मोस्टली, तब भी आपको कंसेप्ट के लिए ये काम मतलब हेल्प करेगा। और कोई डिफरेंस आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू चेक द